दोस्तों आपने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी चेन्नई एक्सप्रेस तो जरूर देखी होगी, और अगर आपने मूवी नहीं देखी होगी शायद आपने वो गाना जरूर सुना होगा, फिर कश्मीर मैं तू कन्याकुमारी। उस मूवी की जिस जगह शूटिंग हुई है मैं केरल की उसी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, और इस जगह का नाम है मुन्नार। मुन्नार साउथ इंडिया का एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसे अंग्रेजों ने अपनी समर कैपिटल बनाया था, और चारों तरफ यहाँ पर आपको बस मिलते हैं टी प्लांटेशन और टी गार्डन्स। यहाँ कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो कि आपको यहाँ आने पर मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और उन सारी लोकेशंस पर आज मैं अपने वीडियो में आपको लेकर जाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ और आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। वैसे केरला की मेरी ये ट्रिप स्टार्ट हुई थी कोची से, और कोची के बाद अब मैं आया हूँ आज मुन्नार। आप मेरे चैनल पर केरला की प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे केरला से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप केरला आएं, आप मुन्नार, ठेगड़ी, अलेप्पी और दूसरी जगहों पर केरला की अगर जाना चाहते हैं तो आप वो सारे वीडियोस फॉलो करें। उन वीडियोस की लिंक मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वो वीडियोस जरूर देखें। तो कोची से मुन्नार पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई है, और वैसे रास्ते में हमने कई सारे वाटरफॉल्स और स्पाइस गार्डन भी देखे जो कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा, और अब चलते हैं अपने होटल के लिए। मुन्नार में अगर हम होटल्स की बात करें तो आपको यहाँ अपने बजट के अकॉर्डिंग कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं होटल के, और जो बेस्ट एरिया है आपके लिए रुकने के लिए वो होगा अनाचल। अनाचल में आप स्टे करिए, और वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप मुन्नार घूमने के लिए टैक्सी यूज करेंगे, तो डायरेक्टली आपकी टैक्सी आपको अनाचल के आपके होटल से पिक करके और साइट सीइंग पर ले जाएगी। गुड मॉर्निंग, तो अभी सनराइज हो रहा है, लगभग 6:30 बजा हुआ है, और देखिए कितना खूबसूरत सन निकला हुआ है। देखिए अभी जस्ट सनराइज हुआ है, और जो व्यू है हमारे होटल से बाहर का वो देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, वैली, बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों भले ही यहाँ अभी सुबह का 7 बजा हुआ है लेकिन टेम्परेचर इतना कम नहीं है जितना कि आप जब नॉर्थ साइड के हिल स्टेशन पर जाते हैं तो होता है। अभी टेम्परेचर अराउंड 17 डिग्री होगा और ग्रेजुअली इंक्रीज भी हो रहा है। तो मुन्नार बेसिकली इंडिया में, साउथ इंडिया में बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत एक हिल स्टेशन है, जो ये माउंटेन रेंज पीछे आप देख रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है, और कश्मीर इसको बोल सकते हैं आप साउथ इंडिया का। तो मैं आ गया हूँ अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने, और जो रेस्टोरेंट है इनका उसके व्यूज भी बड़े ब्यूटीफुल हैं। जो ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में, हाँ पूरी भी है, पूरी आई थिंक नॉर्थ और साउथ दोनों में ही चलती है। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ आज की मुन्नार की साइट सींग्स पर, और हमारी बसंती रेडी है, तो चल चुके हैं हम अपनी टैक्सी से। तो भैया आज पहले हम कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले टी म्यूजियम। टी म्यूजियम, और ये है टाटा टी की ओर से। तो अभी देखिए जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, और टी प्लांटेशन के जो गार्डन है, टी गार्डन है, वो स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं टी गार्डन, और टी गार्डन का जो टिकट है वो है 125 पर पर्सन, तो विंडो से ही आपको टिकट मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। बहुत ज़्यादा भीड़ तो शायद नहीं है आज, तो आपको ये टी प्लांटेशन के बारे में बताएंगे, शायद एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएंगे, और टी के फील्ड में जितनी भी ग्रोथ हुई है इंडिया में पुर्तगीज और डचेस के टाइम से लेके अभी तक, तो उन सब के बारे में भी बताया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए एंट्री करते हैं टाटा टी म्यूजियम में। तो अभी अभी जस्ट एक शो ख़त्म हुआ है और अब नेक्स्ट शो स्टार्ट होगा, तो पर 30 मिनट्स में शो ख़त्म होते हैं और शुरू होते हैं, जैसे अभी 11 बजे नेक्स्ट शो है। तो 30 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद अब हम देखेंगे टी मेकिंग का होल प्रोसेस। यहाँ एक फैक्ट्री लगी हुई है और यहाँ पर ये पर 30 मिनट्स में लाइव डेमो करके भी दिखाते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस अभी हम देखेंगे कि टी एक्चुअली कैसे बनती है। जो अभी ताजी ताजी पत्तियाँ तोड़कर लाई गई हैं वो रखी हुई हैं, और फिर आगे जो मशीन्स हैं उनमें आप देखेंगे कि कैसे इन्हें सेग्रीगेट किया जाता है, कैसे रोटर वेन में डालकर इन्हें छोटा छोटा किया जाता है, और इनकी टीयरिंग, कटिंग और कर्लिंग की जाती है। इसको सुखाया जाता है क्या? कितने दिन में सूखती है ये वाला डेमो वाला? अच्छा, वैसे ये सूखती कितने दिन में होगी? ड्रायर में। और कितना टाइम लगता है इसको ड्राई होने में? आधा घंटा में हो जाती है। तो देखिए ये जब
पत्तियां जो पिस जाती है फिर इन्हें ड्रायर में ड्राई किया जाता है। और इसको करने में इन्होंने बताया कि ड्रायर में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग आधे घंटे का टाइम लगता है। तो आप टी मेकिंग प्रोसेस ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर इसी फैक्ट्री में बनी हुई टी भी आपको ट्राई करनी चाहिए, लेनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। तो यहाँ कई सारे ऑप्शंस हैं टी की परचेजिंग के लिए। तो टी के ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर फ्लेवर टी भी कई सारी हैं। तो मैंने अभी ये ली है ग्रीन टी विथ लेमन फ्लेवर, तो ये ट्राई करेंगे। और उसके बाद में एक नई चीज़ मुझे पता चली कि टी फ्लेवर की अगरबत्तियाँ भी आती हैं, इंसेंस स्टिक्स भी आती हैं, ये भी ट्राई करेंगे कि कैसी फ्रेग्रेंस रहती है इनकी। तो टी, सेफ्रॉन और अगरबत्ती हमने ले ली हैं हम लोगों ने। तो बिलिंग के बाद अब एक दूसरा एक्सपीरियंस जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है टी टेस्टिंग का। तो यहाँ पर एक काउंटर है जिसमें यहाँ पर ही ग्रो की गई टीस को यहाँ पर टेस्ट कराते हैं। उसके लिए वो फ्री नहीं है, वो आपको उसके लिए पे करना होगा। और कई सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिलते हैं, जैसे फ्लेवर टी हो गई, ग्रीन टी हो गई, उसके बाद में आपकी मसाला चाय वगैरह। और इनकी जो प्राइजेज़ हैं वो लगभग 25 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ ऐसे हैं। तो मैंने भी अभी एक टी ऑर्डर की है और जिसका नाम है रोज़ टी प्रीमियम ग्रीन। तो अभी तक कई टाइप की टी टेस्ट की हुई थी बट रोज़ टी आज तक नहीं पी थी। और ये बेसिकली विदाउट मिल्क की ही है ये, और इसमें सिर्फ टी बैग डला हुआ है और ये रोज़ फ्लेवर्ड है। तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो टी जनरली आप पीते हैं डिप करके विदाउट मिल्क की जो होती है उसमें आपने थोड़ी सी रोज़ वाटर डाल लिया हो। इट्स टेस्टिंग लाइक दैट। जो अभी डॉक्यूमेंट्री इन्होंने दिखाई अभी ट्री प्लांटेशन के बारे में और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, उसमें उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 1880 के बाद से स्टार्ट हुआ यहाँ पर टी का प्लांटेशन। जब इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो स्लोप्स हैं मुन्नार के माउंटेन्स की स्लोप्स हैं ये टी प्लांटेशन के लिए एकदम परफेक्ट हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आते गए और उन्होंने इसको ग्रो किया, इस एरिया को टी फार्मिंग के लिए परफेक्ट प्लेस बनाने की कोशिश की। तो अगर आप म्यूजियम आने का बेसिकली अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली वो डॉक्यूमेंट्री देखें आधे घंटे की, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी टी की हिस्ट्री के बारे में इंडिया में बेसिकली। तो टी म्यूजियम विजिट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ टी गार्डन विजिट करने। यहाँ पर देखिए पब्लिक के लिए टी गार्डन ये खुला हुआ है और यहाँ आप कर सकते हैं टी गार्डन की विजिट और खींच सकते हैं बड़े ही खूबसूरत से फोटोग्राफ्स। तो अभी टी गार्डन्स मैंने देख लिए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपनी कैब पकड़ने। टी गार्डन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, टी गार्डन और म्यूज़ियम दोनों का एक्सपीरियंस ही अच्छा था। और टोटल आपको टाइम जो इसके लिए डेडिकेट करना होगा वो अप्रॉक्सीमेटली आप 2 hours to 2.5 hours तक का टाइम डेडिकेट करके चले। अब मैं जा रहा हूँ अपने मुन्नार के दूसरे ट्रैवल अट्रैक्शंस पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टी म्यूज़ियम के बाद अब हम जा रहे हैं मुन्नार के दूसरे डेस्टिनेशन जो कि है फ्लावर गार्डन। जो टी म्यूज़ियम है यहाँ से फ्लावर गार्डन पहुँचने में लगभग 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। और देखिए रास्ता कुछ ऐसा है यहाँ का। तो अभी हम एंट्री कर चुके हैं फ्लावर गार्डन में और इसका जो एंट्री टिकट था वो था 50 रुपीज़। और एंट्री के लिए आपको कुछ पहले से बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं आकर डायरेक्टली टिकट ले सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कई वैरायटी के रोज़ेस और पहाड़ों पे इन्हें इस तरह से प्लांट किया गया है जैसे कि टी के फार्म्स जो हैं, जैसे टी प्लांटेशन है उसी तरह से ये ऐसे सीढ़ीदार तरीके से प्लांट किए गए हैं। और मुझे लगता है लगभग हर तरह के गुलाब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इस फ्लावर गार्डन में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। ये बेसिकली फ़ोटो पॉइंट्स ही हैं जहाँ आप अपने फैमिली के साथ में खूबसूरत से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। धूप यहाँ आज वाकई बड़ी तेज़ है। यहाँ पर मुझे अभी फीलिंग आ रहा है जैसे लास्ट ईयर मैं गया था मुगल गार्डन अमृत उद्यान दिल्ली में, उसका भी वीडियो मैंने पोस्ट किया है चैनल पर। तो उतने ही ज़्यादा वैरायटी के फ्लावर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे और फ्लावर्स पर आर्ट भी काफ़ी खूबसूरत सी बनाई गई है। जैसे ये देखिए हार्ट शेप में इन्होंने प्लांटेशन किया है, साइड साइड में ये मैरीगोल्ड लगे हुए हैं और लगभग हर पेड़ के ऊपर फूल किसी न किसी कलर के प्रेजेंट हैं। तो मुन्नार में जनरली आप देखेंगे कि टूरिस्ट जो आते हैं उनमें कपल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, जो परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट है उसमें अगर देखा जाए तो कपल्स का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो कुछ ऐसी हैं कि इन सारे फ्लावर्स को डेवलप होने में
शायद उतने ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहे होंगे जितने की एफर्ट्स हमें अपने घरों में उगाने में लगते हैं। ये अभी जो प्लांट लगा हुआ है इसके जो फ्लावर्स हैं इसका नाम है लेडी शू, और आप देखिए इसकी शेप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका नाम लेडी शू क्यों है। तो ये लग भी रहा है लेडी शू स्टाइल का। तो फ्लावर गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए हमें लगा टोटल लगभग 1 आवर का टाइम, और अब हम जाएंगे मुन्नार की अपनी दूसरी लोकेशन। हमारे ड्राइवर अभी तक वेट कर रहे थे हमारा, और अब हमसे उनसे पूछेंगे कि नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे। भैया नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं हम? फोटो पॉइंट। तो देखिए आपका हमारा सबका फेवरेट फोटो पॉइंट, जहाँ मतलब कहीं भी हम लोग जाते हैं तो लगता है कि फ़ोटो पहले खींच ली जाए। तो हम जा रहे हैं अब फोटो पॉइंट, बैठ जाता हूँ मैं अब गाड़ी के अंदर। कितना दूर है भैया फोटो पॉइंट यहाँ से? 3 किलोमीटर्स। मुन्नार में आपको हॉट एयर बलून के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अभी ये आप सामने मेरे देख रहे हैं ये हॉट एयर बलून हैं, एक पीछे भी दिख रहा है और यहाँ पर भी। ये ज़्यादा ऊपर लेकर नहीं जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुन्नार में हॉट एयर बलून का एक्सपीरियंस लेना वर्थ होगा। मुन्नार को मुन्नार क्यों कहा जाता है ये भी एक सोचने वाली बात है। मलयालम लैंग्वेज में मोनू मतलब होता है 3, तो 3 एंड आरू मतलब होता है रिवर। तो जो 3 रिवर्स के बीचों बीच हिल स्टेशन बना हुआ है वो है मुन्नार। और साउथ इंडिया की तो लगभग कहा जाएगा एक सबसे बड़ी टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है मुन्नार। तो ये है मुन्नार का फोटो पॉइंट। कई सारी लोकल एक्टिविटीज आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग हो गया, आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ के लोकल कोकोनट्स भी, और इसके अलावा ट्राई कर सकते हैं कॉर्न्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फोटो पॉइंट पर मुझे लगा लगभग 30 मिनट्स का टाइम, और फोटो पॉइंट पे कुछ खूबसूरत सी फोटोज क्लिक करने के बाद अब हम अपने जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पर। जब आप गाड़ी के बाहर देखेंगे तो मुन्नार में चारों तरफ बस आपको ये टी प्लांटेशन टी गार्डन ही दिखाई देते हैं, और मुन्नार बेसिकली जो डेवलप किया गया, जो डेवलप हुआ है पूरा मुन्नार, वो टी गार्डन्स के बेसिस पर ही हुआ। इसके पहले जब ब्रिटिश यहाँ पर नहीं आए थे उसके पहले मुन्नार को शायद कम ही लोग जानते थे, बट जैसे जैसे यहाँ से टी का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, टी के बिजनेस ने बूस्ट लिया, उसके बाद से फिर मुन्नार की तो निकल पड़ी एकदम। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं व्यूज उतने ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं मुन्नार के, और अभी हम जाने वाले हैं जो यहाँ का एक डैम है। माडुकुटी डैम के आसपास आपको मिलती हैं कई सारी शॉप्स, और मेनली यहाँ पर जो शॉप्स हैं वो स्पाइसेस की हैं, गिफ्ट आइटम्स की हैं, सुविनियर्स की हैं। तो अभी मैंने भी यहाँ पर कुछ शॉपिंग कर ली है स्पाइसेस की, और मैंने ली है ये कार्डेमन। एक्चुअली यहाँ की जो कार्डेमन होती है, केरला के स्पाइसेस वैसे भी फेमस हैं, तो आप देखेंगे कि ये इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन है जो जनरली हमें ऑल ओवर इंडिया या कहीं बाहर मिलता है। तो वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे मसाले हैं, मैंने भी कुछ मसाले ले लिए हैं, और जो मुझे सबसे अच्छा लगा आज देखने में वो है ये स्टार एनिस, चक्रफूल भी जिसे कहा जाता है। इसके अलावा ये जो रेड कलर का है ये है जावित्री। तो कई सारे मसाले जो अलग अलग हैं ये मिक्स करके हम घरों में गर्म मसाले के रूप में भी यूज़ करते हैं, और डिफरेंट पर्पज होता है हर मसाले का। तो वहाँ पर इलायची तो अच्छी थी, मैंने वहाँ पर हींग भी खरीद ली थोड़ी सी। हींग जनरली मुझे आज पता चला कि इंडिया में तमिलनाडु में इसकी फैक्ट्रीज हैं, और इसका जो रॉ मटेरियल आता है ये आता है पाकिस्तान से इंपोर्ट होके। तो ये जो माडुपेडी डैम है ये भी मुन्नार के थोड़ा सा आगे है। जब आप साइट सींग पर निकलते हैं तो ये आपके जो टू डू एक्टिविटीज़ हैं उस लिस्ट में शामिल रहता है। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये भी अंग्रेज़ों ने ही बनवाया था, ब्रिटिशर्स ने ही बनवाया था जब मुन्नार का डेवलपमेंट चल रहा था। तो मौसम अभी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और माडुकुडी डैम में हम लोगों ने लगभग 30 मिनट्स का टाइम स्पेंड किया टोटली। एक्चुअली जो यहाँ पर टाइम आपको लग सकता है माडुकुटी में वो आपको 1 आवर का भी लग सकता है अगर आप बोटिंग करते हैं। ऑल दो बोटिंग अभी बंद थी, आज कुछ इश्यू है तो बोटिंग बंद है, बट रेगुलर डेज में बोटिंग चालू रहती है और आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं इस खूबसूरत से डैम में।